भारतीय रेल द्वारा पूरे भारतवर्ष के 19 स्टेशन पर पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण तथा उनमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु एक स्टेशन एक उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल की शुरुआत आज मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन के दिशा निर्देशन में हुई। वहीं DRM अजय नंदन ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद पीतल नगरी ब्रास सिटी के नाम से विश्वविख्यात है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पीतल की कलाकृतियों को स्टॉल पर सुसज्जित कर लगाने से स्टेशन पर आने वाले देसी तथा विदेशी यात्रियों को मुरादाबाद की शिल्प कला तथा कलाकृतियों को जानने का मौका मिलेगा तथा मुरादाबाद की विशेष पीतल की कलाकृतियों का विश्व भर में प्रचार प्रसार होगा। मुरादाबाद के स्थानीय कलाकारों का विश्व भर में सम्मान बढ़ेगा तथा रोजगार का सृजन होगा। हमारी केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत यह 15 दिन का यह पहला फेज है जिसमें 15 दिन के लिए यह स्टॉल लगाया गया है, जहां मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जो फेमस है, पीतल की जो इंडस्ट्री है उसके कारीगरों को, लघु उद्यमकों और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनमें से किसी भी एलिजिबल एक पार्टी को स्टॉल लगाने की 15 दिन की इजाज़त दी जानी है टोकन फीस पर। उसी प्रोग्राम के तहत ये आज पहला स्टॉल आज से शुरू हो रहा है जो अगले 15 दिन तक ये स्टॉल रहेगा। इसके बाद ये एक बार और लगाने के लिए 15 दिन के लिए भी हम लोगों ने अगले 15 दिन के लिए भी आवेदन हम लोगों ने मांगे हुए हैं जो अगले सप्ताह तक हमारे पास आते हैं, तो उनमें फिर हमें निर्णय लेना है कि अगला 15 दिन और किसी और को स्टॉल लगाने की दी जाए। इसका उद्देश्य ये है कि जो लघु उद्यम सेल्फ हेल्प ग्रुप या आर्टिजन खुद अपना इस तरह के बिजनेस को अपना बढ़ाना चाहते हैं या लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहते हैं, उन लोगों को जहाँ तक हो सके अपने शहर के स्टेशन पे ही उनको मौका दिया जा सके। स्टॉल लगाने के लिए शुल्क राशि मात्र 500 रुपए ही रखी गई है। स्टॉल लगाने के लिए एक विक्रेता को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन बाद अन्य विक्रेता को अवसर दिया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन पर पीतल स्टॉल शुरू होने से यात्री और कारीगर पहल करिए, इससे इंशाल्लाह बढ़ावा मिलेगा और आगे भी उनकी यही स्कीम है कि इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए और ब्रास को जितना हो सके और कारीगर को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया जाए। हैंडी आपने यहाँ स्टेशन पे कितने दिन का ये कैंप लगाया? सर ये मैंने 15 दिन का लगाया है जी। क्या मानते हैं इससे लाभ पहुँचेगा? इससे लाभ जरूर पहुँचेगा, क्राफ्ट मैन को, दुकानदारों को, सबको लाभ पहुँचेगा और कारीगर को भी लाभ पहुँचेगा।